हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपना अमेज़न हॉल। इधर मैं बहुत टाइम के बाद अमेज़न हॉल शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने लास्ट टाइम कब शेयर किया था। हाँ, शॉपिंग मैंने कब की थी लास्ट टाइम, मुझे ये याद है क्योंकि मैं डेली अमेज़न से शॉपिंग करती हूँ। थोड़ा 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 कुछ ना कुछ करती रहती हूँ क्योंकि अमेज़न पर डिस्काउंट अच्छा चलता है, अमेज़न की क्वालिटी अच्छी होती है प्रोडक्ट्स की, और जो दिखता है ना स्क्रीन के ऊपर वही आपको मिलता है। प्लस अमेज़न के रिटर्न पॉलिसी अच्छी है, रिफंड पॉलिसी अच्छी है, एक्सचेंज पॉलिसी अच्छी है, ये चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए मुझे अमेज़न से शॉपिंग करना काफ़ी पसंद है। मैंने अमेज़न से गाइस होम डेकोरेशन का बहुत सारा सामान खरीदा है, बच्चों के लिए बहुत सारा सामान खरीदा है, लेकिन आज की वीडियो में होम डेकोरेशन नहीं इंक्लूड करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ बच्चों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मेरा बेटा है आरव, 7 ईयर्स का है, तो उसके लिए बहुत सारा मैंने सामान खरीदा है, थोड़ा 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 थोड़ा, कुछ उसकी पसंद का, कुछ मेरी पसंद का। एंड आपको पता है यार, क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, बच्चे बेचारे घर पे फंसे हुए हैं, लाइक ना कहीं जा सकते ना आसपास जा सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसको घर पे रखूँ अपने बेटे को, और थोड़ा सा उसको एंटरटेन रहे उसका, यू नो, थोड़े थोड़े टाइम के बाद मैं उसको कुछ ना कुछ नया टॉय या कुछ भी ना ऐसा लेके दे देती हूँ। तो आप लोग भी कुछ ऐसा करो अपने बच्चों के साथ ताकि उनका मूड ना थोड़ा सा रिफ्रेश रहे। चलो, बहुत हो गया लंबा चौड़ा इंट्रो, हॉल को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जितने भी मैं आपको आज प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी सबके परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अब जाके जरूर चेकआउट कर लेना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ गाइज, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी हमने नया चैनल स्टार्ट किया है, हमें अर्निंग करनी है, तो आप थोड़ा सा हमें गाइड करो हम कैसे अर्निंग करें। तो गाइज, आज की वीडियो में ना आपको ये भी दिखाऊंगी कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हो थ्रू एफिलिएटेड लिंक्स। हाँ, और किसी ने ये भी कमेंट किया था कि एफिलिएटेड लिंक्स कैसे बनाए जाते हैं। मैंने सुना है एफिलिएटेड लिंक्स के बारे में, लेकिन पता नहीं है क्या कैसे बनता है। तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ वो भी शेयर करूंगी कि एफिलिएटेड लिंक्स आप कैसे बना सकते हो, एफिलिएटेड लिंक्स के थ्रू आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। चलो, हॉल को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, एफिलिएटेड लिंक्स कैसे बनते हैं और अर्निंग आप कैसे कर सकते हो उस लिंक्स के थ्रू। लेट्स गेट स्टार्टेड। लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ये वाला मेकअप लुक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, गणपति मेकअप लुक है। अगर नहीं देखी अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो, तब जाके जरूर चेकअप कर लेना। लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले मैंने आरव के लिए मंगवाई है बास्केटबॉल का सेट, इसके साथ आपको जो स्टैंड होता है ना वो भी मिलेगा। ये इसका बेस है, ये इसका ढक्कन था ब्लैक कलर का, जिसके अंदर आप पानी डाल के इसको स्टडी बना सकते हो, या फिर मिट्टी डाल के, रेत डाल के आप इसको स्टडी बना सकते हो बेस को। कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होगा। और सॉरी, मैं एक हाथ से शूट कर रही थी ना, तो इस वजह से एक्चुअली आरव इतना एक्साइटेड हो जाता है ना, वो ढंग से शूटिंग नहीं करने देता उसको, तब बस मेरे को देखने दो। तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी इसके साथ, प्लास्टिक का मिलेगा। अच्छा, इसमें 2-in-1 ये गेम है, ये डार्ट है जो निशाना लगाने वाले नहीं होती, वो भी एक तरफ है, और दूसरी तरफ इसका बास्केटबॉल वाला है। ये जो चीज़ें इसके साथ मिली है ना, बस मैं वही आपको दिखा रही हूँ। ये डार्ट है इसके साथ, वो छोटा सा पिंक कलर की बॉल थी जिसको हमें बाद में फुलाना पड़ेगा, बॉल जो हवा भरने वाला नहीं आता उसके साथ आपको फुलाना पड़ेगा। ये देखो जो आरब के हाथ में अभी है पिंक कलर का, ये ऐसे नहीं फूलेगी, मुँह के साथ नहीं फूलती है। कोई आता है साइकिल वाले जो होते हैं ना, उनसे फुलवा सकते, मतलब आप उनको बोलो वो हवा डाल देंगे इसके अंदर, फिर बॉल बन जाती है। मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरह से, देखो हमने प्लास्टिक के जितने भी वो मिले थे उसके साथ हमने इसको जोड़ दिया, स्टैंड बना दिया, इसके अंदर हमने अभी पानी डाल रहे हैं। आप इसके अंदर मिट्टी डाल के भी आप इसको स्टडी कर सकते हो, बैकग्राउंड पे इग्नोर कर देना, भैया मशीन लगाई हुई थी तो कपड़े डाले हुए हैं। एंड आप बस देख लो, मैं आपको बस, क्योंकि आरव सो एक्साइटेड, उसको खेलना था अभी ही, मुझे लगा चलो मैं खेल रहा तो उसको शूट ही कर लूं। इतना मतलब कम स्पेस लेता है कि आप इसको अपने कमरे के कोने में भी आप लगा सकते हो, तो आराम से आपका बच्चा खेलता रहेगा, इंडोर गेम की तरह भी है ये आराम से, ठीक है, अच्छा है, काफी देर इसके साथ खेलता रहा। अच्छा, इसकी दूसरी तरफ ना आपको ये डार्ट वाला भी मिलेगा, ये तीन थे आरव ने घुमा दिया ब्लू कलर में, इस तरफ इसका मैग्नेट लगा हुआ, देखो अभी ये आपको खेल के दिखाएगा, निशाना लगाने वाला है ये, नजदीक चला जा। ये और आरव के पापा ये दोनों लगे रहते हैं आपस में, ये करते रहते हैं, एक बार तो चलो दोबारा ये निशाना लगाएगा, और इस बार तो हो गया, नहीं वाज सो हैप्पी। ठीक है, तो ये 2-in-1 गेम है, आप चाहते हो तो आप ले सकते हो। सेकंड क्या है प्रोडक्ट मेरे पास, ये है क्लिक एंड कैच, ये भी मुझे बड़ा डिफरेंट सा लगा था,
फिर जब मैंने मंगवाया मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये वाला प्रोडक्ट, कुछ इस तरह की कलरफुल सी ये दिखने में है और ये नेक की पैकेजिंग में आता है। ओपन करके आपको मैं दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से है, आपको अटैच करना पड़ेगा। ये इसकी छोटी सी बास्केट है, दो छोटी छोटी आपको बॉल्स मिल जाएंगी और ये इसका जैसे इसको दबाते हैं ना यार इसके हैंडल को, तो ये उछल के इसकी बॉल निकलती है। मेरे को तो समझाना भी नहीं आ रहा, बट आप देख लो काफी इंटरेस्टिंग वाला। ये देखो हमने इसको ज्वाइन कर दिया नीचे से एंड और अब उसमें ना बॉल है, ये देखना भी क्लिक करेगा बॉल उछल के जाती है। फिर से दोबारा कर, पहली बार जब उसने किया तो वो डर गया क्योंकि बॉल ना इतनी तेजी से भागी ना, बट ही वाज सो हैप्पी। हम दोनों लगे रहते हैं बॉल एक दूसरे को, हम ऐसे करके कैच करवाने की कोशिश करते हैं। बस तेरे पीछे गई, तेरे पीछे गई। इंटरेस्टिंग है ये वाली गेम भी, अगर आप अपने बच्चों के साथ खुद भी खेल सकते हो, अगर आपके दो बच्चे हैं तो आपस में लगे रहेंगे बस खेलते रहेंगे, तो ये भी अच्छी वाली गेम है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले लेना, लिंक मैंने आपको सबके डाल दी वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखना बारह निशाना लगाएगा। थर्ड है ये स्लिपरी कार्ड। इसने पता नहीं कहाँ से टीवी में ना ये देख लिया, कोई कार्टून में मैग्नेट वाला था कि मैग्नेट गोल 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 घूम के आता है, तो मैग्नेट आपको पता है राउंड शेप में होता है, डर लगता है कई बार बच्चा मुंह में ना डाल दे। ये वाला मैंने अमेजोन पे बहुत टाइम पहले देखा होता, वो भी स्लिपरी कार्ड की तरह, वो स्लिपरी मैग्नेट था। तो मैग्नेट वाली चीज तो मैंने इसको लेके नहीं दी क्योंकि वो रिस्की होती है, मैंने इसको ना स्लिपरी कार्ड वाली चीज लेके दे दी। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है और वुडन का है ये सारा, कलरफुल सा है, दिखने में बड़ा प्यारा लगता है। होम डेकोरेशन में भी साइड में लाइक ना बच्चों के रूम में अगर आप साइड में इसको लगा के रख दो तो इट विल लुक सो प्रिटी। कुछ इस ये लकड़ी की है, ये दिख रहे हो आप, ये सारी वुडन है। ये वाली कार जो साइड में है ना वो थोड़ा सा मेटल का है आई गेस, इसके जो व्हील्स वगैरह है बड़ी फ्री होके ये चलती है। रुको अभी मैं आपको चला के दिखाएगा आराम, वो देखो मैं अभी शूट भी नहीं कर सकी, वो इतनी जल्दी नीचे चलेगी। दोबारा दिखाती हूँ आपको, ये देखो इसकी स्पीड देखना कितनी है, ये इस तरह से जाती है, तो मतलब अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग है ये भी। तो चलो अब ये फोर्थ गेम कौन सी मैंने आरव के लिए ली थी, आर्चरी वो क्या बोलते हैं इसको, तीर कमान मैंने आरव को लेके दिया था। तीन तीर मिल जाएंगे आपको, एक आपको कमान मिल जाएगा और मेरे को शूट नहीं करने दे रहा था हरी की, बस मेरे को खोल देखने दो, मेरे को देखने दो। कहानी हमने इसको ओपन किया और दिखाती हूँ मैं आपको इसके अंदर क्या क्या है। कार्ड देते हैं तीन, आपको तीन मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी तीन के फ्रंट पे ना सक्शन कप्स वगैरह लगे हैं, देख लो तीन छोटे छोटे येलो कलर के लगे हुए हैं ना, और कुछ इस तरह से आपको ये मिलेंगी। दिखने में भी सुंदर है पीस, और थोड़ा सा ध्यान से रखना, इधर उधर मत रख देना, ये टूटने नहीं चाहिए एंड क्वालिटी अच्छी दिया। आए मेरी तरफ नहीं चलाना, चला। गाइस फिर मैंने आरव को लेके दिया ये हॉट व्हील्स की गाड़ियों का सेट। ये हॉट व्हील्स की गाड़ियों का सेट आपको ये लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, लेकिन लॉकडाउन का टाइम है, कोविड का टाइम है, तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया था मैंने अमेजोन से। इसको ना हॉट व्हील्स की गाड़ियां कलेक्ट करने का बड़ा शौक है, तो ये बस वही वाला सेट है, आप देख सकते हो। इसमें आपको ना पांच मिल जाएंगी, एक गाड़ी ना 100 रुपीज की मिलती है, लेकिन ये जो गाड़ियां हैं ना ये बहुत ही ज्यादा ना स्टडी होती है, मतलब स्ट्रांग होती है, प्लास्टिक की गाड़ियां नहीं होती हैं। तो बस आर के पास बहुत सारी ऐसे हॉट व्हील्स की गाड़ियां हैं, बस अपनी कलेक्शन क्रिएट करता रहता है, इनके साथ खेलता रहता है, काफी कलरफुल होती है, वाइब्रेंट दिखती है। देख सकते हो आप ये एक पर्पल कलर में है एंड इनकी शेप वगैरह भी आपको बहुत डिफरेंट सी मिलेगी। नाम तो आरव को ही पता होता है, पता नहीं ड्रैगन तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। और ये ग्रीन कलर में है, ये एक स्काई ब्लू कलर में है, और ऑरेंज और ग्रीन में भी एक है। ला भी अपने बच्चों को ऐसे लेके दो, उनको भी अच्छा लगेगा, वो खेलते रहेंगे अपने आप में ही खेलते रहते हैं बच्चे। तो ये देख लो कि येलो कलर की भी है, डिफरेंट शेप्स हैं इसकी। एंड फिर ये एक और गाड़ी है, ये एवेंजर करके थी गाड़ी, ये हॉट व्हील्स की गाड़ी नहीं है। इसका ना मैंने कुछ और सोचा था, मुझे लगा ये ओपन होने वाली है, जैसे ओपन नहीं होती है गाड़ियां फिर एक बन जाता है कुछ और, मतलब कोई और बन जाता है यार, कुछ ओपन करके होती है, बट ये ओपन वाली नहीं थी, सिंपल वाली गाड़ी थी। ये मुझे उतनी कुछ खास वर्थ ही नहीं लगी, दिखने में तो सुंदर है बट
आई मुझे लगे खुलती है गाड़ी फिर बंद हो जाती है जैसे छोटे छोटे पीसेज में खुल के, बट ये वो चीज नहीं मिली। बट ओवरऑल आरब को पसंद आई तो फिर हमने इसको रख लिया, रिटर्न नहीं किया। गाइस फिर मैंने आरव को लेके दिया ये पिकाचू येलो कलर में। काफी टाइम से बोला था मुझे पिकाचू चाहिए, इसने कार्टून वगैरह में देखा होगा कोई कार्टून आता पिकाचू, तो अभी देखना उसकी आवाज भी निकालेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी थी, दिखने में काफी अच्छा था, मतलब सही वाली क्वालिटी थी यार, बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा था, वर्थ ही लगा मुझे। जरूर आप इसको ट्राई। अरे ये कौन सा टॉय है? पिकाचू। पिकाचू कैसे बोलता है? गाइस फिर मैंने आरव को लेके दी ये वाली कार। ये एक्चुअली मैं ले रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं लेती हूँ मैं, बट फाइनली मैंने इसको ले ली क्योंकि आरव बहुत ज्यादा जिद कर रहा था मुझे ये वाली चाहिए, मुझे ये सुंदर लग रही है। आसपास का आप थोड़ा सा ना मैं इसको इग्नोर कर दिया करो क्योंकि आपको पता बच्चा घर में होता है, जितना मर्जी क्लीन कर लो वो अपनी ही दुनिया में बच्चे रहते हैं। कार देखो जहां पे भी जाती है टकरा के वापस आ जाती है, लाइट जलती है, गाना चलता है इसके। अरे वो अब ये कौन सा टॉय है? माउस पपेट। माउस पपेट कैसे खेलता है तू इसके साथ? उसमें हाथ डालते हैं, हाथ डालकर इसे इसके हाथ पैर सब चलाते हैं, चला बातें भी करते हैं, ग्लव्स की तरह डाल लेते हैं ना इसको। ग्लव्स की तरह डालते हैं। आप हमेशा ये वाली उंगली होती है ना इसको इसकी गर्दन में डालते हैं। ये वाली कहाँ डालते हैं? ये वाली उंगली हाँ हाँ इसकी गर्दन में डालते हैं। ठीक है, तो उसका मुंह चलाते हैं। चला फिर थोड़ी बातें कर इसके साथ। दिखा इसको शक्ल, दिखा अच्छी तरह से माउस की, हिला हाथ हिला अपना। हाउ क्यूट। ओई ओई और कुछ बोलो। बाय कर दे गाइस। फिर नेक्स्ट मैंने मंगवा है ये आर्मी सेट, मिलिट्री सेट। ये कुछ इस तरह की प्लास्टिक के बैग में आता है, छोटे से बैग में, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। ये भी सस्ता था यार, 300-350 तक मतलब था, ज्यादा प्राइस ही नहीं था। प्लास्टिक ही है, कोई इतना स्टडी नहीं है, बट ठीक है बच्चों को जितना चाहिए बस उतने लिए बहुत है, अपने में लगे रहते हैं। एंड इसकी जो थोड़ी बहुत डिटेल है ना अभी आरव बताएगा, अभी तो मैं आपको बस दिखा रही हूँ ओपन करके कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या रिसीव होगा। क्योंकि जब ये मुझे पैकेट मिला था ना मैंने उसी समय ही ये वाली क्लिप को शूट कर लिया था। एरोप्लेन निकल रहा है और क्या निकल रहा है, और भी थोड़ी बहुत जो भी चीजें आप देख रहे हो साथ साथ में। ये एक पेड़ निकल गया एरोप्लेन के ऊपर वाला, डंडी निकल गई, ये थोड़ा सा डिटेल यार आरव आपको बता सकता है। फ्लैग निकला है अभी यहाँ पे, दो कमांडोज निकले थे, एंड यू नो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। अगर आपके बच्चे को शौक है ऐसी चीजों का तो आप ये सेट भी उनको लेके दे सकते हो, थोड़ा सा अपना इमेजिनरी से अपना खेलते रहेंगे साइड में, और क्या दिखने में ओवरऑल ठीक है, अच्छा है पीस। देखो आरव खेल रहा है, एक्चुअली अभी नहा के आया था जस्ट, तो इसने देखा तो बस टी शर्ट भी नहीं डाली, फटाफट से खेलने लग गया था इसके साथ। अरब क्या बना रहे हो? देखो ये आर्मी सेट है जिसकी दीवारें बना, आर्मी सेट है जिसकी दीवारें बना रहा हूँ। अच्छा, और ये क्या है? ये जो छुप कर वार करते हैं ना कमांडर, उसके पीछे छुप के वार करते हैं दुश्मन पर। अच्छा, और ये वो बिजली वाली तारे हैं, इनसे कोई अंदर नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, और इसमें हेलीकॉप्टर होते हैं।
और ये वो रास्ता बताने वाला है। अच्छा ये बोर्ड का है, बोर्ड पढ़ा था, कोई बात नहीं लिखा था सुपर, कोई बात नहीं ये दिखाओ। ये फौजी कमांडर, फौजी क्या कमांडर फौजी। अच्छा बाय कर दे, अब खेल ही जा, बाय कर दे बाय। और देखो रख हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर इसमें रखते हैं। अच्छा बाय गाइस, यही था आज का हॉल, और होप आप लोगों को प्रोडक्ट्स अच्छे लगे। आपको क्या सबसे अच्छा लगा, आप क्या लेने वाले हो, प्लीज़ आप कमेंट डाउन जरूर करना। सबके परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके जरूर देख लेना। तो चलो अब मैं आपको बता दूं कि आप कैसे एफिलेटर लिंक थ्रू क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप अर्निंग कर सकते हो थ्रू अर्न करो। अर्न करो की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे पास अर्न करो की, जो आप लोगों के साथ मैंने डिटेल में शेयर की है। तो आज हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो वाली पुरानी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप पूरा यू नो अर्न करो के बारे में समझना चाहते हो। आज की वीडियो में सिर्फ मैं एफिलेटेड लिंक्स के बारे में बात करूंगी, आप कैसे बना सकते हो और आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हो, अगर आपका यूट्यूब का चैनल है या फिर अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में अगर आप कोई भी यू नो ऐसी शेयरिंग वगैरह करते हो, लाइक अगर उनको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप उनको एफिलेटेड लिंक शेयर कर सकते हो, ताकि वो आपके यू नो लिंक के थ्रू सामान भी खरीद लें और आपका प्रॉफिट भी हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आपको अमेजोन का अगर आपने लिंक क्रिएट करना है, ठीक है, वैसे ये अर्न करो जो है ये अमेजोन, मिंत्रा, अजियो, मामा अर्थ, फ्लिपकार्ट, ये हर किसी के ऊपर काम करता है। लेकिन अगर आपने अमेजोन का अगर आपने लिंक को क्रिएट करना है एफिलिएटेड लिंक्स को, तो सबसे पहले गाइज आपने अमेजोन पे जाना है, अमेजोन की वेबसाइट पे जाना है, अमेजोन की ऐप पे आपने नहीं जाना, अमेजोन की वेबसाइट पे आपने जाना है। कोई भी प्रोडक्ट आप चूज़ कर लो जो आपको पसंद आता है, अपने प्रोडक्ट को चूज़ करो, उसका वो लिंक होगा, शेयर पे जाओगे ना तो कॉपी लिंक आ जाएगा, कॉपी लिंक आपने करना है। फिर आपने जाना है अर्न करो की वेबसाइट पे, अर्न करो की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे देखो मेक प्रॉफिट लिंक्स का ऑप्शन आएगा आपको, ठीक है, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर सब कुछ नज़र आ रहा होगा। मेक प्रॉफिट लिंक्स वाले सेक्शन में आपने जस्ट जाके उस लिंक को पेस्ट कर देना है, पेस्ट करोगे उसके बाद आपने वहाँ पे लिख देना है, मतलब वहाँ पे ऑप्शन होगा क्रिएट लिंक्स का, तो दैट्स इट, आप अपने प्रॉफिट लिंक्स को क्रिएट कर सकते हो, बहुत ईजी है। अब जब भी आप किसी को आगे शेयर करोगे तो वो वाला जो आपको प्रॉफिट लिंक बना है ना, तो आपने उसको आगे शेयर करना है, मेन वाले लिंक को आप भूल जाओ, ठीक है, आपने प्रॉफिट लिंक को आपने आगे शेयर करना है। अगर आप खुद के लिए भी सामान खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने लिए सामान खरीदता हूँ अमेजोन से इतना सारा, तो मैं पहले अपना प्रॉफिट लिंक को क्रिएट कर लेती हूँ, प्रॉफिट लिंक के थ्रू जाके मैं अमेजोन पे ना अमेजोन की वेबसाइट पे जाके मैं कार्ट में ऐड करती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले कार्ट में ऐड कर लेंगे फिर बाद में प्रॉफिट लिंक्स बनाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है गाइज, तो उनको अर्निंग होती ही नहीं है, तो फिर मुझे आके कमेंट्स करते हैं दी हमने तो लिंक बनाया लेकिन हमें अर्निंग नहीं हुई। तो पहले आपने प्रॉफिट लिंक बनाना है, प्रॉफिट लिंक के थ्रू आपने उस प्रोडक्ट तक पहुंचना है, उसके बाद आपने कार्ट में ऐड करना है, फिर आपने ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो इससे आपको प्रॉफिट लिंक भी बन जाएगा, साथ में आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा और साथ में आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर यही था, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लव यू। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। बाय बाय, लव यू।